इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजॉइड शबलम के क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, ये देखते हैं। अगर आए कह रहा है ए बी सी डी एक शबलम है। आप देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक शबलम बना हुआ है, ए बी पैरेलल हमने बना रखा है, जो भी ये कंडीशन दिया है सब बना रखे हैं। फाइनल आते हैं किस पे, भाई नहीं बनाएंगे तो टाइम जाएगा, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, यही चीज़ बनेगा। हाँ तो कह रहा है त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। ए ओ बी ये वाला, सी ओ डी ये वाला, इन दोनों में अनुपात पूछा है। अब ये रिलेशन हमको दे रखा है। अगर मैं इन रिलेशन को देखूं, पहले एक चीज़ यहाँ समझ लो, ये दोनों अगर समांतर है तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, और ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, और यही शीर्षाभिमुख से बराबर हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनको जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम क्या बोले, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों में जो रेशियो होता है उनकी भुजाओं में भुजाओं के वर्गों का रेशियो के बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात, इधर एरिया लिख लोगे, भुजा में अगर यहाँ पर देखो कितने का अनुपात आएगा, ए बी, ए बी इधर ले जाओ, सीढ़ी नीचे ले जाओ, एक अनुपात दो आ जाएगा, इसी का वर्ग कर दो, कितना कर दो मेरे भाई, वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा एक अनुपात चार। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन लड़का लोग जब ये सब क्वेश्चन पढ़ता है तो अंदाज़ा लगाता है, कहता है ये इतना बड़ा है, इसका दुगुना तिगुना चौगुना, ऐसे अंदाज़ा लगाता रहेगा, बाद में गड़बड़ मार के चला जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं तो उनमें ये रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है शबलम की समांतर भुजाओं में जो रेशियो है 2:3 इनके बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 480 है बड़ी भुजा का। भाई ये रेशियो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x और 3x, कितना लिख सकते हैं, मतलब एक भुजा 2x है, दूसरी भुजा 3x, कौन है, समांतर भुजाएं हैं, यहाँ लिखा है ना समांतर भुजाएं, तो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5x आएगा, कहोगे हाँ, तो ये 5x, उनके बीच की दूरी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 रख देंगे बराबर एरिया आ जाएगा 480। इसको अगर काटेंगे ये 6 बार में काट दिया, 6 48, ये 80 आ गया, और ये 16 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 5 80, x का मान 16 आ गया, बड़ी भुजा पूछा है तो बड़ी है ये वाला ना होगा, तो कितना आ जाएगा, छोड़ दिए 48 सेंटीमीटर। बड़े पुच्ची पुच्ची सा सवाल बनते हैं इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कह रहा है ए बी सी डी एक, ए डी और बी सी, यहाँ पर देखिए ए डी और बी सी समांतर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज है। ई बिंदु, ई एक पॉइंट है, कहाँ पर है, बी सी पर, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, किस पर लाइज कर रहा है, बी सी पर। तो कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब ये शबलम वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ए ई डी, ए ए ई डी मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, हमसे पूछा है चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज ए ई डी में रेशियो निकालो। तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई, ये शबलम्ब है, शबलम्ब का क्षेत्रफल क्या जानते होंगे, 1/2 आधार मतलब समांतर भुजाओं का योगफल, ए डी बी सी, ए डी बी सी उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब लंबवत दूरी होती है भाई साहब, इस पॉइंट और इस पॉइंट की लंबवत दूरी ले लो, तो ये h ले लेते हैं, कितना h, तो ये दूरी कितना आ जाएगा h डिवाइड बाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप रट रखे हो 1/2 आधार, अगर इस त्रिभुज को देखो तो आधार यही आएगा AD, तो AD ले लेते हैं, गुणता ऊंचाई h, h से h कट गया, आधा से आधा कट गया, क्या आ गया भाई AD BC AD, ये रिलेशन आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये सब क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, बस आप देख के पढ़ के डरो ना, बाकी अगर आपको नॉलेज